सुनने में ये बात सपने जैसा लगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल एक बार फिर से बिहार का डंका देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बजा है। बिहार की बेटी ने वह कर दिखाया है जो बहुत से लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली फलक ने ऑस्कर अवार्ड के दरवाजे पर दस्तक दे दी है, सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। देखा जाए तो इस साल ऑस्कर में नाटू नाटू गाने को बेस्ट गाने का ऑस्कर अवार्ड मिला था, लेकिन अब एक भारतीय फिल्म ऑस्कर की दहलीज पर पहुंच गई है जिसका बिहार से सीधा कनेक्शन है। मुजफ्फरपुर की बेटी फलक खान की फिल्म चंपारण मटन ऑस्कर के स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड 2023 के सेमीफाइनल राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत की तरफ से यह एकमात्र फिल्म है जिसे यह कामयाबी हासिल हुई है। चंपारण मटन का निर्देशन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के रंजन कुमार ने किया है। इस अवार्ड के लिए दुनिया भर के फिल्म प्रशिक्षण संस्थानों की 1700 से अधिक फिल्मों का नामांकन हुआ था। इसमें फलक की फिल्म नैरेटिव कैटेगरी में सेमीफाइनल में चुनी गई 16 फिल्मों से मुकाबला करेगी। नैरेटिव श्रेणी में अर्जेंटीना, जर्मनी, बेल्जियम जैसे देशों की फिल्में चुनी गई है। चंपारण मटन नैरेटिव समेत अन्य 3 श्रेणियों में शामिल भारत की एकमात्र फिल्म है जिसे लेकर पूरा बिहार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वहीं फलक के घर वाले भी काफी खुश हैं। कहा भी जाता है कि जब बच्चे कमाल करते हैं तो उसके माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ब्रह्मपुरा निवासी फलक के पिता डॉक्टर A.R. खान और माँ डॉक्टर कीश्वर अजीज खान दोनों एलन मिश्रा मैनेजमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हैं। दोनों को बेटी की इस उपलब्धि पर बेहद गर्व है। फलक के पिता से बातचीत की है हमारे संवाददाता अभिषेक ने। कितनी खुशी हो रही है? जाहिर है, बहुत खुशी बात है। आप तो टीचिंग लाइन में थे और बेटी ने कमाल किया है। हम लोग क्लास व्लास में भी पढ़ाते हैं कि एक मोटिवेशन ज़रूरी है और जिसमें इंटरेस्ट हो उसी में काम करना चाहिए। तो हम लोग तो चाहते थे कि ये M.Tech वगैरह में जाएं, ये करें, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट और टैलेंट, इसके हिसाब से इन्होंने सेलेक्ट किया अपने इंटरेस्ट से और काफ़ी अच्छा किया, कर रही हैं। बहुत सारी फिल्म का ऑफर मिला इनको, शॉर्ट फिल्म का भी और फीचर फिल्म का भी, बल्कि अभी भी शूटिंग चल भी रही है। अभी रोहतास में शूटिंग चल रही है DFO की। तो मैं क्या, इसमें हीरोइन है, हाँ, मेन रोल में हीरो और हीरोइन है वहाँ। तो अभी शूटिंग चल रही है मटन जो फिल्म है उसको लेकर भी इनको स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड की देने की बात, सेमीफाइनल राउंड तक पहुँच गई है। हाँ, सेमीफाइनल राउंड में है और उम्मीद करते हैं कि सबकी दुआ रही तो फाइनल में भी इन लोगों का ही होना चाहिए जैसा लोग कह रहे हैं। पूरे देश दुनिया से 1700 फिल्में बताई, 1700 पूरा US से, ऑस्ट्रेलिया से या बाहर बाहर मुल्कों से सब मिला करके लगभग 1700 फिल्म में इनका है। इसमें इन लोगों का सिलेक्शन हुआ है और ये सेमीफाइनल में चल रहे हैं। आगे के दौर में दुआ करिए। अच्छा, शुरुआती पढ़ाई उनकी कहाँ से हुई, कैसे? इनकी शुरुआती तो यहाँ शुरू में नोबल में थी, नोबल चिल्ड्रेन स्कूल में इनकी पढ़ाई हुई और उसके बाद से काफ़ी अच्छा रिजल्ट हुआ और अपने मेहनत से कंपटीशन में क्वालिफाई की और इंजीनियरिंग MIT में इनका एडमिशन हुआ। यहाँ से इंजीनियरिंग किया इन्होंने काफ़ी अच्छे नंबर से। यहाँ के बाद ये बॉम्बे गई MBA करने के लिए। MBA के बाद इन लोगों ने फिर कोर्स किया, डायरेक्टिंग, एडिटिंग, प्रोड्यूसिंग, ये सब का कोर्स किया। तो इसमें इंटरेस्ट बढ़ा, काफ़ी बढ़ा, बल्कि इन्होंने FK मीडिया में प्रोडक्शन भी कायम किया, उसके डायरेक्टर भी हैं ये, और छोटी फिल्म, कॉरपोरेट फिल्म और फीचर फिल्म वगैरह का भी काम कर रही है और काफ़ी ऑफर भी है। अभी फिल्म हो भी रही है, शूटिंग भी हो रही है, कुछ इनकी अपनी भी फिल्म आ रही है जिसका अनाउंसमेंट लोग खुद करेंगे। तो इस तरह से काफ़ी इंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट है इन लोगों का, काफ़ी मेहनत करते हैं। इधर अभिनेत्री फलक ने बताया कि आधे घंटे की यह फिल्म बिहार के लोगों की अपने रिश्तों के प्रति ईमानदारी और किसी भी हाल में हार ना मानने की कहानी है। इस फिल्म की कहानी लॉकडाउन के बाद नौकरी छूट जाने पर गांव लौटने और पत्नी की इच्छा पूरी करने की कोशिश में लगे एक परिवार के इर्द गिर्द बुनी गई है।
कहानी की संवेदनशीलता हर किसी के दिल को छू रही है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के वीडियोस के लिए बने रहे LiCities के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।